वक्त खबर असरदार का है। मैं हूं अपर्णा मौजम। शुरुआत कर रहे हैं राजगढ़ से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां बोरवेल मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। यहां एनडीआरएफ की टीम ने अब रेस्क्यू ऑपरेशन का मोर्चा संभाल लिया है। माही को बचाने के लिए, रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी लाने के लिए एनडीआरएफ ने यह मोर्चा संभाल लिया है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम मौजूद है। और बड़ी खबर हमने आपको बताई थी किस तरह से ये घटना हुई। 7 बजे खबर सामने आती है, लगभग 5:30-6 का ये मामला है, जब माही 5 साल की मासूम यहाँ इस बोरवेल में गिर जाती है, जो अपने परिवार के साथ इस खेत में आई थी। ये परिवार का ही खेत है और यहीं पर ही ये बोरवेल खुदा हुआ था। ताज़ा ये बोरवेल बना है, लेकिन बच्ची खेलने के दौरान इस बोरवेल में गिर जाती है। स्थानीय लोग, परिवार के लोग बच्ची को बाहर निकालने के लिए एक रस्सी भी बनाते हैं, लेकिन उस कोशिश के दौरान बच्ची और गहराई में चली जाती है। करीब 25 फीट गहराई में ये बच्ची यहाँ पर फंसी हुई है। और राजगढ़ से यहाँ पर टीम पहुंचती है और अब एनडीआरएफ ने यहाँ मोर्चा संभाल लिया है, ये जानकारी मिल रही है। सबसे पहले यहाँ पर अंधेरे से लड़ने के लिए रोशनी का इंतजाम किया गया। काफी इंटीरियर में ये पूरा इलाका है। अलग अलग कैमरे की तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं और साथ ही उस मासूम की तस्वीर भी, जो इस समय बोरवेल में फंसी हुई है और उसे बाहर निकालने के लिए संघर्ष लगातार जारी है। ग्राउंड जीरो पर न्यूज 18 की टीम भी मौजूद है। इससे पहले हमने जो थाना प्रभारी थे उनसे भी बातचीत की, जानकारी हासिल करने की कोशिश की। और अब रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हुई हैं और अक्सर ही देखा गया है कि जो जिन लोगों का खेत होता है, जिनकी जमीन होती है, वहीं पर वो बोरवेल होता है और उन्हीं की लापरवाही के चलते इस तरह की घटनाएं बड़े पैमाने पर होती हैं, जहां जरा सी लापरवाही किसी मासूम पर भारी पड़ जाती है। हालांकि यहां बच्ची को बचाने के लिए जंग लगातार जारी है, हर कोई प्रार्थना कर रहा है। हम भी उम्मीद कर रहे हैं और ये प्रार्थना भी कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस मासूम को यहां से सकुशल बाहर निकाल लिया जाए। तो बड़ी खबर, बड़ी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर है। न्यूज 18 की टीम मौके पर मौजूद है, उनसे हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। और शैलेंद्र भदौरिया जुड़ गए हैं हमारे साथ। शैलेंद्र, फिलहाल क्या अपडेट, इस समय वहां क्या तस्वीर है? देखिए, बिल्कुल, न केवल स्थानीय रेस्क्यू टीम बल्कि एनडीआरएफ की टीम भी अब वहां पहुंच गई और उसने रेस्क्यू का काम भी लगभग शुरू कर दिया है। देखिए, पहली प्राथमिकता है कि बच्ची तक ऑक्सीजन आदि भेजने का काम किया गया और उसके सीसीटीवी के माध्यम से, वो फुटेज के माध्यम से जानने की कोशिश की गई कि आखिर उसकी स्थिति क्या है। अच्छी बात यह है कि लगातार बच्ची से जो परिजन है उनकी बातचीत हो रही है, जो मौजूद टीम है उसकी बातचीत हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी इस मामले को लेकर लगातार नजर बनाए हुए, अब से कुछ देर पहले उन्होंने साफ किया कि जो वहां पर अधिकारी है सभी से उनकी लगातार बात हो रही है और उनको साफ तौर पर निर्देश दिए कि एनडीआरएफ की टीम तो यहां से भेज दी गई है, उसके अलावा भी यदि कोई चीज की आवश्यकता हो तो तत्काल उन्हें सूचित करें, ताकि जो रेस्क्यू ऑपरेशन जो शुरू किया गया उसमें किसी तरह का व्यवधान उत्पन्न ना हो। ये निर्देश जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिए गए हैं। तो पहली जो प्रायोरिटी थी वो ऑक्सीजन पहुंचाने की थी, थोड़ी बहुत रोशनी बच्ची तक पहुंचाने की थी और इसके अलावा सीसीटीवी से उस पर मॉनिटरिंग रखने की थी। तो वो काम अभी कर लिया गया और अब फर्स्ट फेज का जो है वो काम शुरू किया जाएगा कि क्या बच्ची से बात करके क्या वह रस्सी को पकड़कर बाहर आ सकती है, क्योंकि देखिए ये प्रयास जो है वो स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा किया जा चुका है, लेकिन हालांकि वो ट्रेंड नहीं है, उनको नहीं पता है किस तरीके से एक रेस्क्यू किया। लौटेंगे आपके पास सुनील हंचोरिया, जो हमारे संवाददाता हैं, वो वहां मौके पर मौजूद हैं। सुनील, अभी वहां पर क्या देख पा रहे हैं आप, कितना बढ़ाया गया है आगे ऑपरेशन? देखिए, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ का ऑपरेशन जारी है और चूंकि कुछ देर पहले न्यूज 18 से बात करते हुए कलेक्टर ने भी बताया था, तो आपकी दर्शकों के लिए जानकारी के लिए बता दूं कि कैमरा डाल के लोकेशन के जरिए बच्ची की पिक्चर्स ली गई है और उसके बाद देखा गया कि वो किस स्थिति में, वो चूंकि बात कर रही है, प्रशासन और परिवार के लोग लगातार उसे मोटिवेट कर रहे हैं कि वो जो है वो हिम्मत न खोए और लगातार कोशिश की जा रही कि बच्ची को सुरक्षित निकाले। थोड़ी दूर पर जाकर जो है जेसीबी के जरिए जो है एक कैनल बनाई जाएगी और उसके बाद फिर बच्ची तक पहुंचने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया बड़ी लंबी और तकनीकी है, इसलिए इसमें समय लग सकता है और प्रशासन लगातार उस दिशा में आगे बढ़ा है और तमाम तकनीकी टीमें, प्रशासन की टीमें लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को करने में जुटी हुई है। कितनी गहराई में है सुनील बच्ची और किस स्थिति में है, क्या इस बारे में कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, प्रारंभिक तौर पर 20 फीट बताया जा रहा है, हालांकि बहुत सटीक अनुमान हम लोगों के पास फिलहाल नहीं है, लेकिन
प्रारंभिक जो आंकड़ा है वो 20 फीट के लगभग का है, वो भी काफी होता है। और चूंकि बच्ची फंसी हुई है, बच्ची के पैरेलल एक, एक एक रास्ता बनाना और फिर वहां बच्ची तक पहुंचना, तो पूरा एक 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 डायग्राम बनेगा और उसके बाद बच्ची तक पहुंचा जाएगा। तो लगातार प्रशासन अपने प्लान के अनुसार काम कर रहा है, उसका बकायदा एक रेस्क्यू प्लान तैयार किया गया और उसी रेस्क्यू प्लान को फॉलो करते हुए तमाम तकनीकी और इंजीनियर्स की टीम जो है वो बच्ची तक पहुंच रही है। चूंकि इस बात का भी ख्याल रखना है कि पूरा मेजरमेंट ठीक रहे और ऑपरेशन जितना जल्दी हो सके, एक बच्ची को सकुशल बाहर निकाला जा सके, तो बड़ा टफ टास्क है और प्रशासन लगातार लगा हुआ है और रेस्क्यू काफी तेजी से चल रहा है। बिल्कुल सुनील, आप बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों को एक बार फिर से जो जानकारी आपने दी है वही जानकारी एक बार फिर से हम यहाँ पर बता देते हैं कि किस तरीके सुनील बता रहे थे कि लगातार बच्ची के जो परिवार वाले हैं बच्ची का हौसला बनाए रखने के लिए उससे बातचीत भी कर रहे हैं और क्योंकि एक पैरेलल एक रास्ता बनाया जाएगा तो ऐसे में ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समय लग सकता है और इसीलिए लगातार बच्ची के परिवार वाले बच्ची से बात भी कर रहे हैं और जो कैमरा नीचे भेजा गया जानने के लिए कि बच्ची किस हालत में है, किस तरीके से उसे बाहर निकाल सकते हैं। एनडीआरएफ और की टीम ने यहाँ पर मोर्चा पूरा संभाल लिया है। बड़ा अपडेट यह है कि एनडीआरएफ अब फ्रंट फुट पर इस पूरे मामले, इस पूरे घटनाक्रम को डील हैंडल कर रही है और यहाँ पर लगातार कोशिश इसी बात की है कि जो तमाम उपाय किए जाए उनमें उन्हें इस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए कि ताकि बच्ची जो अंदर है उसे और दिक्कत ना हो। शैलेंद्र हमारे सहयोगी भी लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, क्योंकि समय लग सकता है तो ऐसे में संयम बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती है। बिल्कुल बिल्कुल, संयम बनाए रखना बहुत जरूरी है, लेकिन जिस तरह का मैं जिस बात का जिक्र कर रहा हूँ कि इस मामले में अच्छी बात यह है कि बच्ची लगातार रिस्पॉन्ड कर रही है, बात भी हो रही है और 5 साल की बच्ची है, कई चीजों को वो समझ भी सकती है। ऐसे में परिवार जनों के माध्यम से उससे बातचीत कराई जा रही है ताकि उसको किसी तरह की कोई घबराहट ना हो, क्योंकि देखिए बच्चा छोटा होता है तो घबराहट कई तरह की होने लगती है। तो ऐसे में परिवार जनों के द्वारा लगातार उससे बातचीत की जा रही है और जिस तरह की जानकारी जो दी जा रही है कि अब एक पैडलर गड्ढा खोदने का काम भी शुरू किया गया है, तो जेसीबी के माध्यम से लगभग 15 से 17 फुट तक जो अनुमान है कि 20 से 25 फुट पर बच्ची फंसी हुई है, तो ये मानिए कि 15 से 17 फुट तक ही जेसीबी के माध्यम से गड्ढा खोदा जाएगा, क्योंकि आखिरी के जो 5 फीट खुदाई होती है वो बेहद सावधानी पूर्वक करनी पड़ती है, क्योंकि देखिए अगर आप जेसीबी से वहां चलाते हैं और अगर किसी तरह की कोई धमक लगती है तो मिट्टी धसकने का डर जो है वो बना रहता है और ऐसे में वहां पर मजदूरों के माध्यम से, फावड़ों के माध्यम से उस खुदाई को करना पड़ता है। तो सबसे अधिक जो समय लगता है वो उस समय लगता है, क्योंकि देखिए जो मिट्टी निकलती है वो 17 फुट नीचे गड्ढे में होती है, उस मिट्टी को ऊपर तक लाना एक बड़ी चुनौती जो है वो रेस्क्यू टीम के सामने होती है। हालांकि एक्सपर्ट्स की जो टीम है वो वहां पहुंच चुकी है, एसडीआरएफ के साथ एनडीआरएफ की टीम जो है वो मौके पर पहुंची है, लाइट के पर्याप्त इंतजाम वहां अब किए जा चुके हैं, ऑक्सीजन उसको दी जा रही है, हो सकता है कि कुछ समय बाद उसको खाने पीने के सामान भी भेजे जाएं। तो बच्ची से लगातार बातचीत की जाएगी और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो लगातार आगे बढ़ेगा, लेकिन जिस तरीके से 15-17 फीट की अगर मैं बात करूं तो कम से कम 5 से 6 घंटे का समय तो इस 15-17 जो फीट का जो गड्ढा है उसको, पैडलर गड्ढा को खोदने में, जो टनल जिसे हम कहेंगे उसको खोदने में लगेगा और उसके बाद जो मजदूरों के माध्यम से खुदाई का काम शुरू किया जाएगा। तो ये ऑपरेशन जो है अच्छी बात यह है कि समय रहते हुए टीमें पहुंच चुकी है। देखिए जिस तरीके से 5:30-6 बजे का घटनाक्रम ये बताया जा रहा था और काफी इंटीरियर का इलाका ये पूरा इलाका है, तो ऐसे में समय रहते टीमें वहां पहुंच गई है, बच्ची भी अच्छी स्थिति में है, तो सब ये माना जा रहा है कि बच्ची को जल्द ही यानी कुछ घंटों बाद ही सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। जी शैलेंद्र, बिल्कुल, और प्रार्थना हर कोई कर रहा है, तमाम दर्शक जो देख रहे होंगे वो भी कर रहे होंगे, हम और आप भी कर रहे हैं कि बच्ची सकुशल बाहर निकाल ली जाए, क्योंकि अभिभावकों पर क्या बीत रही होगी इस समय इसकी कोई बस कल्पना ही कर सकता है, क्योंकि परिवार जो है बेहद इस समय मुश्किल हालत में होगा, बच्ची उन्हीं के खेत में बने बोरवेल में जा फंसी है और बच्ची को निकालने के लिए अभी जो इंतजार है उस पर पल पल भारी पड़ रहा होगा। लेकिन एक्सपर्ट्स मौके पर पहुंच गए वक्त रहते ही ये बड़ी बात, राहत की बात है और लगातार कोशिशें भी की जा रही है कि बच्ची तक पहुंचा जा सके। जिस तरह से आपने बताया करीब 5:30-6 बजे की घटना हुई है, अब 9:15 के आसपास का समय हो रहा है, तो ऐसे में बच्ची तक खाने पीने का सामान पहुंचाया जाए, क्या इसको लेकर भी कोई कवायद अब तक की गई है, क्या अब तक इनपुट मिल पाया है आपको?
बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरीके से जो बच्ची बोरवेल में गिरी है उस तक सबसे पहले ऑक्सीजन पहुंचाने का काम किया गया और उसके अलावा उसके पास प्रकाश यानी लाइट रहे प्रॉपर। देखिए क्योंकि अब अंधेरा हो चुका है और अंधेरे में जब आप 20 फुट से 25 फुट नीचे गहरे गड्ढे में होते हो और बहुत पतला ये सुरंग होती है ये बोरवेल की, तो ऐसे में कहीं ना कहीं बच्ची को अंधेरे में घबराहट भी हो सकती है। ऐसे में उसके पास रोशनी के लिए भी यानी जो लाइट है वो वहां तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि वह इसको ये महसूस ना हो कि किसी तरह के अंधेरे में वो है। और इसके बाद जो है तीसरी प्रायोरिटी भी जिसका आपने जिक्र किया कि खाने के लिए, क्योंकि अक्सर हमने कई रेस्क्यूज में देखा है कि जब बच्चे बातचीत कर रहा होता है तो ऐसे में उसके पास बिस्किट या चिप्स जो है वो पहुंचाने का काम किया जाता है या दूध पहुंचाने का काम किया जाता है ताकि वो कुछ खाती रहे और हिम्मत बनी रहे उसकी। और इसी के लिए परिजनों के माध्यम से बात कराई जाती है। अधिकारी तो केवल सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखते हैं बल्कि उसके चाहे माता हो पिता हो या फिर भाई बहन है इनके माध्यम से उससे बात कराई जाती है ताकि उसको इस तरह का कोई एहसास ना हो कि क्या वो एक बड़ी मुसीबत में तो है। इस तरह का एहसास नहीं होने दिया जाता। इस तरह का काम जो है वो रेस्क्यू टीम के द्वारा लगातार किया जाता है। तो निश्चित तौर पर वक्त काफी बीत चुका है तो ऐसे में अब जल्दी हो सकता है उस तक खाने पीने की सामग्री जो है वो भी भेजी जा सकती है। आपको यहाँ पर देखिए ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को हम दिखा रहे हैं यहाँ पर कि इस साल जो घटनाएं अब तक सामने हुई हैं वो किस तरह से हुई हैं, वो तमाम घटनाओं का ब्यौरा हम दर्शकों के आगे रख रहे हैं। मार्च की घटना है, हालांकि साल की शुरुआत से ही घटनाएं शुरू हो गई थी। मार्च 2023 में 24 घंटे बाद बोरवेल से मासूम का शव बाहर निकाला गया था। फरवरी में 4 घंटे बाद रेस्क्यू टीम ने नैन्सी नाम की बच्ची को बचाया था। सीहोर के मुंगावली में 6 जून 2023 की घटना है जहां सृष्टि गिर गई थी, हालांकि रेस्क्यू टीम सृष्टि को नहीं बचा पाई थी। और वही मई में बैतूल जिले के सोनतलाई गांव में 2.5 साल का एक बच्चा गिर गया था, गांव वालों ने सूझबूझ से बच्चे को बचा लिया था। ये 6 मई 2023 की घटना है। अप्रैल में रायसेन के भानपुर गांव में आशीष गिर गया था, गांव के लोगों ने आशीष को निकाल लिया था। तो विदिशा के खेरखेड़ी गांव में लोकेश मार्च के महीने में गिर गया था लेकिन लोकेश को बचाया नहीं जा सका और अब सभी प्रार्थना कर रहे हैं कि माही को बचा लिया जाए। और यहां पर एक्सपर्ट्स भी लगातार लगे हुए हैं लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जो बोरवेल है जब उसकी खुदाई होती है तो खुदाई के बाद उसके इस्तेमाल करने से लेकर बीच का एक समय ऐसा होता है जब बोरवेल को लोग खुला छोड़ देते हैं, यही एक बहुत बड़ी लापरवाही हो जाती है और इसी की कीमत मासूम को चुकानी पड़ती है। हालांकि यहाँ तमाम जो एक्सपर्ट्स पहुंचे हुए हैं, एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है, लगातार कोशिश की जा रही है कि बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया जाए और पूरे ऑपरेशन के दौरान ऐसे काम हो रहा है ताकि उस ऑपरेशन के चलते बच्ची को और कोई मुसीबत का सामना ना करना पड़े। इसीलिए इसमें वक्त लग रहा है, ये चुनौतीपूर्ण है और इसीलिए हम लगातार कह रहे हैं कि संयम बनाए रखने की आवश्यकता है। शैलेंद्र भदौरिया हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र देखिए बिल्कुल संयम बनाए रखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि देखिए जिन घटनाक्रमों का आपने जिक्र किया कई घटनाक्रमों का मैं खुद गवाह रहा हूं और ऐसे में रेस्क्यू ऑपरेशन को सफल और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए काफी समय लग जाता है क्योंकि जिस बात का मैंने जिक्र किया था कि पैरेलल तरीके से वहां पर गड्ढा खोद कर टनल बनाई जाती है तो ऐसे में 20 से 25 फुट अगर आप टनल जेसीबी के माध्यम से खुदाई करते हैं तो 3 से 4 से कई जगह अगर मिट्टी पथरीली अगर आ जाती है तो कई समय जो है वो और अधिक बढ़ जाता है। तो ऐसे में बहुत सावधानी पूर्वक जो है इस पूरी खुदाई का काम यानी पैरेलल टनल बनाने का काम किया जाता है। और सबसे बड़ी मुसीबत तो उस समय हो जाती है कि जब जिस तरीके से जो मिट्टी है जो नीचे रहती है उसको ऊपर तक लाना होता है और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मौसम भी अभी थोड़ा सी बदला हुआ है तो ऐसे में भगवान से यही कामना करते हैं कि बारिश किसी तरह का ना हो क्योंकि यदि बारिश होती है पड़ना तो कहीं ना कहीं इस रेस्क्यू ऑपरेशन को चलाने में काफी मौसम चुनौती है। शैलेंद्र यहाँ पर जो रात का अंधेरा है वो भी अपने आप में बड़ी चुनौती है। नहीं बिल्कुल रात का अंधेरा तो चुनौती है ही है लेकिन हालांकि उसके लिए पर्याप्त इंतजाम एनडीआरएफ की टीम के द्वारा किए जाते हैं। हमने कई बार लगातार देखा कि जनरेटर की व्यवस्थाएं की जाती हैं, इसके अलावा और अन्य व्यवस्थाएं की जाती हैं ताकि वहां पर्याप्त जो है प्रकाश की व्यवस्था बनी रहे ताकि जो एनडीआरएफ की टीम है या एसडीआरएफ की टीम है या मेडिकल टीम जो है जो लगातार नजर बनाए हुए उसी तरह की किसी तरह की कोई परेशानी ना आए उस रेस्क्यू ऑपरेशन में इस तरह के प्रयास किए जाते हैं। लेकिन जो प्राकृतिक चीजें हैं उससे रोकना किसी के हाथ में नहीं होता है तो ऐसे में अब वो केवल दुआओं के चलते होती है। दुआओं का दौर यही जारी कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से कुछ इलाके ऐसे हैं जहां हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल रही है तो ऐसे में उस इलाके में कम से कम बच्ची के वापस आने तक यानी सकुशल वापस आने तक इस तरह की कोई बारिश ना हो क्योंकि अगर बारिश होती है तो परेशानियों का सबब जो है वो बारिश बन जाती है। तो जिस बात का मैं लगातार जिक्र कर रहा हूं कि अभी जो है वो पैरेलल गड्ढा खोदने का काम किया जा रहा है और जैसे
ही बच्चे के बहुत करीब जब ये खुदाई पहुंच जाएगी और उसके बाद मशीनों के माध्यम से खुदाई को बंद कर दिया जाएगा और हाथ के जो मजदूर है उनकी द्वारा जो खुदाई की जाएगी। शैलेंद्र, नजर बना के रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। और अब बात करते हैं सीएम का फेस दिल्ली तक रेस। जी हां, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के लिए दौड़ तेज हो गई है। दिग्गज नेता दिल्ली में हैं और सीएम पद के लिए दावेदारी मजबूत कर रहे हैं। इस बीच शिवराज सिंह कुछ अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। कभी परिवार के साथ रेस्टोरेंट में दिखते हैं तो कभी लाडली बहनों के साथ लंच करते हुए। रिपोर्ट देखिए। चुनावी दंगल खत्म हो गया है और अब शुरू हो गया है मुख्यमंत्री के नाम पर मंथन। दिग्गज नेता दिल्ली में डेरा जमा चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा समेत कई नेता दिल्ली में हैं। बड़े नेताओं से मुलाकात कर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं, लेकिन सबकी नजर शिवराज सिंह पर है। शिवराज सिंह मध्य प्रदेश में है, लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, परिवार के संग रेस्टोरेंट में डिनर करते नजर आए, लाडली बहनों के बीच पहुंचे और लंच किया। ये तस्वीरें बता रही हैं कि शिवराज सिंह फिलहाल रिलैक्स दिख रहे हैं। जब प्रदेश के बड़े बड़े नेता दिल्ली में हैं, ऐसे में शिवराज सिंह दिल्ली जाने की जगह छिंदवाड़ा जाकर पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने की बात कह रहे हैं। कल मैं जा रहा हूँ छिंदवाड़ा, जहाँ सातों विधानसभा की सीटें हम नहीं जीत पाए। मेरा एक ही संकल्प है, 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते मध्य प्रदेश में, और श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधानमंत्री जी जो हमारे नेता हैं, उनके गले में 29 कमल की माला डाल के संपूर्ण बहुमत यहां से भारतीय जनता पार्टी को मिले और वो फिर से भारतीय प्रधानमंत्री बने। इसलिए 29 की 29 लोकसभा की सीटें जीतना ये हमारा अगला लक्ष्य है। जिस छिंदवाड़ा विधानसभा में हम विधानसभा की सीटें नहीं जीत पाए, कल मैं वहां जा रहा हूं अपने कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करने। मुख्यमंत्री के फेस को लेकर शिवराज सिंह का कहना है कि सीएम का दावेदार न पहले कभी रहा हूं और न आज हूं। एक कार्यकर्ता के नाते पार्टी मुझे जो भी काम देगी उस काम को करता रहूंगा। मैं एक कार्यकर्ता हूं, पार्टी ने जब जो काम दिया उस काम को पूरी प्रमाणिकता, ईमानदारी और जितना मुझ में सामर्थ्य था उस सामर्थ्य को झोंक के मैंने वो काम पूरा करने का प्रयास किया है। मैं मुख्यमंत्री का दावेदार ना तो पहले कभी रहा और ना आज हूँ। मैं एक कार्यकर्ता के नाते उस काम को समर्पित भाव से अपनी संपूर्ण शक्ति, क्षमता और प्रमाणिकता, ईमानदारी से सदैव करता रहूंगा। मोदी जी हमारे नेता हैं और उनके साथ काम करने में हमने सदैव गर्व का और आनंद का अनुभव किया है। प्रदेश की जनता का एक बार फिर से आभार। कुल मिलाकर शिवराज सिंह अलग अंदाज में खुद को सीएम फेस के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। सीधा और साफ मैसेज आला कमान तक पहुंचाया जा रहा है या फिर आला कमान फैसला ले चुकी है, इस तरह के कई सवाल हैं जिनके जवाब सिर्फ बीजेपी आला कमान के ही पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो सूरतेहाल छत्तीसगढ़ का भी ज्यादा अलग नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हराकर बीजेपी ने भले ही सत्ता में वापसी कर ली हो, लेकिन सरकार का मुखिया कौन बनेगा इस पर अभी भी सवाल बना हुआ है। वजह है सीएम पद की रेस में चल रहे नाम। मुख्यमंत्री के लिए प्रदेश के कई बड़े नेताओं के नाम रेस में है, लेकिन कयास इस बार लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी आलाकमान महिला मुख्यमंत्री पर दांव लगा सकती है। छत्तीसगढ़ में जीत के बाद बीजेपी में अब सीएम पद के लिए भागदौड़ जारी है।
प्रदेश से लेकर दिल्ली तक नेताओं का मुलाकात का सिलसिला चल पड़ा है। मुख्यमंत्री के लिए कई नाम हैं जो रेस में चल रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी आलाकमान चौंकाने वाला भी फैसला ले सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार प्रदेश को पहली महिला मुख्यमंत्री मिल सकती है। दरअसल सीएम पद के लिए छत्तीसगढ़ से रेणुका सिंह का नाम चल रहा है। चलिए आपको बताते हैं रेणुका सिंह कौन है। 1999 में पहली बार जनपद पंचायत सदस्य बनी। साल 2003 और 2008 में विधायक चुनी गई। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री भी रही। साल 2019 में सरगुजा सांसद चुनी गई। मोदी सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। भरतपुर सोनहत से विधायक चुनी गई हैं। हालांकि सीएम फेस को लेकर रेणुका सिंह ने कहा है कि इसका फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। लेकिन मैं तो भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ी और मैंने जनता से आशीर्वाद मांगा और जनता का आशीर्वाद मिला। अब मुख्यमंत्री कहां से होगा, कौन होगा, ये राष्ट्रीय नेतृत्व तो तय करेगा। मैं बहुत हूं इस बात से खुश कि जो भरतपुर सोनहत क्षेत्र है वो मेरा मायका क्षेत्र है और मुझे अपने मायके का सेवा करने का अवसर मिला है। भरतपुर सोनहत छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा भौगोलिक रूप से विधानसभा क्षेत्र है, जहां पर आज 60% एरिया में मोबाइल नेटवर्क नहीं है, पहुंच विहीन गांव है, लोग बहुत हलाकान परेशान हैं। तो मैं उन लोगों की समस्याओं का समाधान कर पाऊंगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार भी बनने जा रही है, तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। रेणुका सिंह के अलावा गोमती साय का नाम भी सीएम पद की रेस में है। जशपुर जिले के हाई प्रोफाइल पत्थलगांव विधानसभा सीट से गोमती साय ने जीत दर्ज की है। चलिए आपको गोमती साय का सियासी सफर बताते हैं। 2005 में जिला पंचायत सदस्य चुनी गई। साल 2010 में जनपद सदस्य चुनी गई। 2015 में जशपुर जिला पंचायत अध्यक्ष बनी। 2019 में रायगढ़ से सांसद का प्रत्याशी बनाया। गोमती साय का कहना है कि वे बीजेपी की एक सिपाही हैं। पार्टी जो भी जिम्मेदारी देगी उसे संभालेंगी। मैं भारतीय जनता पार्टी की एक छोटे से सिपाही हूं और एक छोटे से सिपाही होने के नाते हमारे प्रधान सेनापति का आदेश का पालन करना हम लोगों को आता है। ये मेरा काम नहीं है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश नेतृत्व का काम है कि जवाबदारी उनका है और किसको का कौन सा जगह देना है, किसको क्या जवाबदारी देना है, ये उनका काम है। मेरा काम खाली एक सिपाही का रोल करना है और सिपाही का रोल ही करते रहूंगी मैं। छत्तीसगढ़ में सीएम पद के लिए कई दावेदार हैं। चलिए आपको एक एक करके मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल नेताओं के बारे में बताते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम सबसे आगे है। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय और विधायक ओपी चौधरी का भी नाम शामिल है। ये वो बड़े नाम हैं जो मुख्यमंत्री की रेस में शामिल हैं। ऐसे में बीजेपी आलाकमान के सामने इनमें से किसी एक नाम पर मुहर लगनी है। अब सवाल आता है कि आखिर वो कौन सा नाम होगा जिसे आलाकमान से हरी झंडी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। तो रेस में कौन कौन से नाम शामिल हैं और इन तमाम नामों की रेस में कौन आगे निकलकर बैठता है सत्ता के सिंहासन पर, हर अपडेट हर बड़ी तस्वीर आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देखते रहिए।